बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजिया के नेतृत्व में बागली विधानसभा के मंडल बागली में विकास यात्रा निकाली गई, जो कि 6 दिनों में मंडल के 70 से अधिक गांवों और 2 नगर परिषदों का विकास यात्रा ने भ्रमण किया। इस दौरान विकास यात्रा का प्रत्येक गांव में भव्य स्वागत किया गया। शुक्रवार के दिन विकास यात्रा ने नगर बागली में प्रवेश किया, जहां पर नगर परिषद के नेतृत्व में CM राइज स्कूल में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें नगर परिषद के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। इसी दौरान स्कूली बच्चों द्वारा आदिवासी गीतों पर प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान मंच पर बैठे विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजिया भी अपने आप को नहीं रोक पाए और बच्चों के साथ आदिवासी गीतों पर काफी देर तक नाचते हुए नजर आए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हमारे शिवराज मामा ने CM राइस जैसी बड़ी बड़ी स्कूलें हमारे बच्चों के लिए बागली और कोलाखाल में भी खोली है। उन स्कूलों में हमारे आज बागली मंडल जो बागली विधानसभा का, मैं तो जहां तक कहता हूं कि हमारे लिए ये बागली विधानसभा का धड़कन है और विकास की यात्रा क्या उत्सव की यात्रा रही। शिवराज जी हमारे प्रदेश के जो मुखिया है, हमने बागली विधानसभा के लिए हमको भरपूर मांग से ज़्यादा मिला है। अभी हमने यहाँ पर पूरे बागली मंडल में करोड़ों की योजना की सौगात की वजह से जल जीवन मिशन में हमने भूमि पूजन किया। हर गांव में लगभग 70-75 गांव का भ्रमण किया हमने 6 दिन में और हर गांव में बहुत सारा उत्साह देखा गया। यदि कहीं छोटी बड़ी चीज़ें आई है समस्या, उसका भी निकाल हम तत्काल करेंगे और हमने किया भी है। इस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन और सरकार के जो लोग हैं वो सब पूरे अमले के साथ हमारे साथ रहे। प्रतिदिन 15-18 गांव का हमने भ्रमण किया और ये उत्साह आप लोगों ने भी देखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।